रायपुर में NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने नए और उन्नत कैथ लैब का शुभारंभ किया। यह अस्पताल का दूसरा कैथ लैब है जो नवीनतम तकनीक और उपकरणों से लैस है। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोगियों की उत्कृष्ट देखभाल और डॉक्टरों के सटीक उपचार के विकल्प मिलते हैं। नया कैथ लैब रोगियों को कई लाभ उपलब्ध करवाएगा। कम विकिरण एक्सपोजर, प्रभावी और सटीक उपचार विकल्प समेत हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों में तत्काल प्रबंधन होंगे। रोगी समय पर सही उपचार प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनकी स्थिति में सुधार और जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। नए कैथ लैब डॉक्टरों के लिए सर्वोत्तम उपचार व अनुभव प्रदान करने में सहायक और कई सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं में रक्त प्रवाह और दबाव की सटीक माप और वास्तविक समय दृश्यीकरण और रुकावटों, घावों और स्टीनोसिस की पहचान करने की क्षमता शामिल है। देखिए, जो एक सेकंड कैथ लैब हमारा इंस्टॉल हुआ है, जो मशीन लगा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट एडवांस्ड मशीन है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार इंस्टॉल हुआ है। एडवांटेज ये है कि उसका जो इमेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। दो, उसका जो सिस्टम वगैरह दिया है, सॉफ्टवेयर वगैरह दिया है, उसमें कॉन्ट्रास्ट लोड जो होता है काफ़ी कम है और रेडिएशन डोज भी काफ़ी कम रहता है। तो जो काम आप पुराने मशीन में हम 3 बार में करना पड़ता था, उसको आप एक टाइम में कर सकते हो, एक शॉट लेके कर सकते हो। तो डेफिनेटली पेशेंट को जो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस इंजुरी होता है और रेडिएशन एक्सपोजर कम होने की वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट कम होता है, और चूँकि इमेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, चीज़ें का जो परफेक्शन जो परफेक्टली काम हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जो कैथ लैब है, बेसिकली कैथ लैब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी प्रोसीजर जो हार्ट और वेस्कुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है वो किया जाता है इसमें। तो ये जो कैथ लैब है, हम लोग इसमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, डिवाइस क्लोजर्स या RFA, इस तरह के प्रोसीजर्स कैथ लैब में किए जाते हैं। तो ये कैथ लैब जो है हमारे यहाँ जो अभी आया है, ये एक सबसे एडवांस कैथ लैब है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो कंपेयर करें कि भाई इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है, कैथ लैब में रेडिएशन यूज़ होता है। तो ये जो मशीन है, इससे ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन होगा रेडिएशन में। तो इससे पेशेंट को भी जो रेडिएशन होता है उसमें भी काफ़ी रिडक्शन होगा इसमें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि रेडिएशन से भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी भी होता है, लेकिन ये कैथ लैब से जो रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगा। उसके बाद इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो रिजोल्यूशन है, इसका ये जो हम लोग इमेजेस देखते हैं वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इससे एक तो प्रिसीजन, मतलब आपके जो एक्यूरेसी है, जब हम लोग कोई प्रोसीजर करते हैं उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हमें इमेज बहुत क्लियर और क्रिस्टल दिखे, जिससे आउटकम में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हम प्रिसिशन की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, ये इस कैथ लैब में सबसे उच्च स्तर की होगी ये। और दूसरा जो टाइमिंग होता है, जैसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो कम से कम टाइम में करें, तो ये भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसमें जो ईज़ है, इसमें कोई भी प्रोसीजर करने का वो इतना आसान है कि इससे जो टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर कम हो जाएगा, रेडिएशन कम हो जाएगा, प्रिसीजन अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ जैसा रहता है, जिसमें हम लोग डिवाइसेस लगाते हैं या कुछ स्टेंट्स लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये भी बहुत ही क्लियर दिखाई देती है।